बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम केरियन, क्या हाल आपका? आई होप पिछला हफ्ता आपका अच्छा गुजरेगा। ये हफ़्ता भी आपका बहुत अच्छा, 9 अगस्त से लेके आपका ये हफ्ता 15 अगस्त के दरमियान स्टार्ट आपका बड़ा अच्छा, 7वें घर से शुरू हो रहा है। जैसे आपका इतवार था वही गुजरेगा, वही मोड होगा। यहाँ पे 7वें का लॉर्ड 7वें में बैठा है, तो 7वें का लॉर्ड 7वें में बैठा तो आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा एक आम आहंगी होगी, घर का हर तरफ से आपको एक सुकून किस्म का आपका राफी ने आपकी ज़िंदगी में सुकून लिखा होगा बहुत ज़्यादा। आपका स्पाउस आपके लिए मेहरबान होगा, मुस्बत ज़िंदगी होगी उस दिन। ज़रूरी नहीं कि दौलत से खुशियां खरीदी जाएं, कोई ना कोई आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अगर जिनकी शादी नहीं हुई तो शादी उनकी तय हो जाएगी। जिस्मानी व जिनसी सुकून अपने पार्टनर से मिल जाएगा, तलकात बहुत मजबूत होंगे, घरेलू सुकून होगा, दौलत भी मिलेगी, मोहब्बत की शादी कामयाब भी रहेगी, मियाँ बीवी की ज़हनी हमहंगी होगी। आप उस दिन अपने मियाँ बीवी एक दूसरे के इशारों पे चलेंगे, एक दूसरे को फौरन आंखों आंखों में आप बात करेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, जिनका मुश्तरका कारोबार है वो भी बहुत इन होंगे। अब यहाँ पे अपना एक्वेरियस 7वें घर में यहाँ पे मून भी है, सन भी है, और ये तो जो कारोबार आप लोग करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, मिस्र का कारोबार बड़ा अच्छे तरीके से करेंगे। अब 7वें का साथ लॉर्ड जब 7वें बैठा था तो स्पॉन्सरशिप ज़रूर मिलती है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई एड मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई ट्रैवलिंग की एडवांटेज मिलनी चाहिए। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो उसे गवर्नमेंट की टिकटों पर सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो कंपनी स्पॉन्सर करेगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो कोई ना कोई डॉक्टरों को कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप करें। अक्सर डॉक्टरों को कंपनियां मुख्तलिफ होटलों में ठहराती हैं, ये तो इस किस्म के आपको वहाँ पे एडवांटेज, पेरेंट्स का एडवांटेज भी मिलता नज़र आ रहा है, मियाँ बीवी का भी आपस में रिश्ता, और आप बड़े नपे तुले और साइंटिफिक तरीके से अपना बिजनेस करते नज़र आ रहे हैं। और वो लोग जो फॉरेन बाहर रहते हैं वो उनको बड़ी लाइफ उनकी भी बड़ी अच्छी होगी, ऑनरेबल लाइफ होगी, और बड़ी कंपेटिबिलिटी उनकी अपने पार्टनर के साथ होगी, जनरल हैप्पीनेस होगी। कोई ना कोई जुआ लॉटरी में भी कोई एडवांटेज मिल जाएगा, और कोई फॉरेन अफेयर्स में भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो स्टार्ट तो हफ्ते का बहुत अच्छा शुरू हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का होगा, इंजॉय कीजिएगा। अब आगे चलते हैं 8वें घर में, वहाँ पे मून भी है, वीनस भी है, और यहाँ थोड़ा सा 8वां घर यहाँ पर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देंगे। पहले हम देखते हैं कि 8वें का लॉर्ड जब 7वें में जाता है तो आपको क्या एडवांटेज देता है। पहले हम सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। तो 8वें का लॉर्ड जब 7वें में जाएगा तो आपको आपकी बेगम आपके या आपका स्पाउस या पार्टनर आपकी माशी तरक्की का इंसार चलेगा, और आपकी जायदाद और सर्विस पे बेहतरी आएगी। और जब आप अपने पार्टनर की जेब खाली कर देंगे तो हाँ, एक और सोच यहाँ पे जो मोहब्बत में पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, तो अपने पार्टनर सॉरी यहाँ पर मैं उस पार्टनर की बात कर रहा हूँ, तो मोहब्बत में उसके साथ बिजनेस करेंगे, और आपको उस वक्त होश आएगी जब वो सब कुछ लूट के ले जाएगा। और आपका साथी यहाँ पे उनकी भी मैं बात करूँगा, जिनकी बीवियाँ पार्टनरशिप साथ करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो वो भी अपने स्पाउस को अपने बीवी को डॉज दे सकते हैं। तो इसलिए आपने उस दिन ज़रा ये थोड़ा सा मताहत रहना होगा आपको। अगर आप दोस्तों से मिलकर कारोबार करेंगे तो आपकी गैर मौजूदगी में इनको वो आपको लूटने की प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आपका यहाँ कह लें कि गुस्सा आएगा आपको, बड़ा एकदम रिएक्ट करेंगे आप लोग, रूबेस्ट होंगे, शार्ट टेम्पर्ड होंगे, एम्बिशियस होंगे, छोटी छोटी बातों पे उलझेंगे। आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे मैदा आपका ख़राब हो, जिससे आपको कोई ना कोई, ख़ास तौर पे एनल फिशर और पाइल्स के मरीज़ और गायनी के मरीज़ या जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्स नेगेटिव है। मेरा वी लॉग ज़रूर सुनिएगा जो आखिर पे राहू का हाल होता है, तो उसका भी मैं उसमें भी काफ़ी गाइडलाइन देता हूँ प्रेग्नेंट ख़वातीन को बारे में। वहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये महीना में आपके जिनकी ये इस महीने में जिनकी डिलीवरीज हैं तो उनको किस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा, ये भी बातें उसमें करूँगा, तो वो ज़रूर सुनिएगा। आपका
तो ये किसी किस्म का रिस्क नहीं, बैंक की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम आपको आ सकता है। आठवां घर है ना, रिजेक्शन का थोड़ा सोच समझ के चलिएगा। यहाँ पे कर्ज़ा नहीं लेना, कर्ज़े वाले तंग कर सकते हैं। अगर कर्ज़ा किसी को पैसे दिए तो पैसे डूब सकते हैं। और किसी किस्म का आपने कोई रिस्क नहीं लेना। कोई ड्राइविंग में बहुत मुताहत रहना, ठोक देंगे आप, मिस्टिज़म में आप जाएंगे, वरासती जायदाद आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और आपके जो ना आपके स्पाउस की इनकम में भी फ्लक्चुएशन रहेगी। तो इसलिए गुस्से पे काबू करना होगा, अपने पुलिस से नहीं उलझना, बैंक में जाके बैंक वालों के साथ भी आपको कोई ना कोई बैंक डिफॉल्टर या बैंक इस किस्म के भी आपको नोटिस वगैरह आ सकते हैं, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, कोई ना कोई आपका स्विमिंग पूल बनता बनता लेट हो जाएगा उस पर भी आप इरीटेट होंगे। होने में कुछ लेट ही बनेगा ना स्विमिंग पूल, खैर है कोई बात नहीं। दो तीन एक्वेरियन हैं जिनके स्विमिंग पूल बन रहे, वो बड़े अपसेट हैं। एनी हो, उज़्मा ने तो वैसे मुझे छोड़ दिया हुआ, उन्होंने नया एस्ट्रोलॉजर ढूंढ लिया हुआ, पता नहीं वो डिसऑर्डर्ड हैं, उनके दो तीन काम नहीं हुए। सन के ऊपर सैटर्न आया हुआ है उज़्मा, तो कैसे आपको आसानी से आपको एडवांटेज मिल जाएंगे। सन तो डिले का लॉर्ड है, सैक सैक के आपको काम होगा आपका। एनी हो, आगे चलते हैं 12-13 को आपका मून 9th हाउस में है और 9th का लॉर्ड 8वें में है। अब जब 9th हाउस 8वें में जाता है, चलो हम वो देखते हैं कि उसमें आपको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे विरासती जायदाद आपको आनी चाहिए और यहाँ विरासती जायदाद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं और जायदाद को पैसा लगाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारी ज़मीन चली गई और अब कब्ज़ा नहीं छूटेगा और उस पर आप काफ़ी इरीटेट होंगे तब। और आपको इसी चीज़ पर रहेगा कि ये पैसे हमारी ये जायदाद डूब जानी है, वो फिर आप तवीज़ धागों और उसकी तरफ भी मायल होंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं, दुआ कीजिएगा। 9th हाउस आपको पता है अल्लाह की रहमतों का, यहाँ पे कोई चैरिटी कीजिए या आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा। 12-13 को आप किसी श्राइन पे जाएं, किसी आपको पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, कोई आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग होगी, आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा जो बाहर पढ़ते हो, उस पर भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और काफ़ी यहाँ पे आप एक शक व शबाब आपके दिमाग में ज़रूर रहेगा, मैं ऐसे स्पेकुलेट करना, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये सोच सोच के बंदा अपने आप को टेंशन में रखता है। ऐसे नहीं होगा, दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आगे 14-15 को मून 10वें घर में और 10वें का लॉर्ड जब 8वें घर में जाता है तो क्या होता है, तो इसलिए वो भी हम देख लेते हैं क्या होता है। 10वें का लॉर्ड जब 8वें घर में जाएगा तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं कैसे होता है। अच्छा हाँ, आप अपने कारोबार को छुपाने की कोशिश करें, कोई कारोबार ऐसा करेंगे जिसको आप छुपा के करेंगे, या कारोबार की नीयत ऐसी होगी जिससे आप आम लोगों को छुपाएंगे। ऐसे वो उन लोगों के लिए हो सकता है जैसे जो मंशियात का कारोबार करते हैं, ड्रग्स का कारोबार, गैर कानूनी धंधा करते हैं, उनके साथ आपने अवॉइड करना है, वो आप फंस भी सकते हैं। कोई ऐसा कोई काम नहीं करना, थोड़ा सा केयरफुल रहना और कोई आपने यहाँ पर अपने आप को फंसने वाली बात नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ पे आपके स्विंग्स आएंगे, यहाँ वालदेन वालदा बीमार हो सकती हैं, वालदा के साथ क्रॉस टॉक हो सकता है कोई ना कोई। अच्छा यहाँ पे आपकी कोई ट्रांसफ़र होगी, यहाँ बॉस आपकी तरफ कोई ऐसे जवाब तलबी, शो का नोटिस, यहाँ कोई ऐसे आपको जिससे आप थोड़ा सा डिप्रेस होंगे, तो कोई ये टेम्परेरी है, दूध का सदका कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको बेहतर कर देगा। सो अगले हफ्ते आप अगले हफ्ते फिर दोबारा मुलाकात होगी, आपके कमेंट्स का इंतज़ार ही रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।